हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू मैं शिवम चौधरी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हम लोग देख रहे हैं यूनिट वन लेक्चर फाइव इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल जो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सिक्स सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है एस बिहार हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखें फिक्स टाइप रेसिस्टर का टाइप्स और उसके बारे में पढ़े इस लेक्चर में हम लोग वेरिएबल रेसिस्टर के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे तो पहला है आपका कार्बन कंपोजिशन वेरिएबल रेसिस्टर कार्बन कंपोजिशन वेरिएबल रेसिस्टर के बारे में आपको पढ़ना है कह रहा है लो पावर कार्बन वेरिएबल रेसिस्टर आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कार्बन कंपोजिशन आइडर इन सॉलिड ट्रैक टाइप और ए कोटिंग ऑफ कार्बन फिल्म कह रहा है लो पावर कार्बन वेरिएबल रेसिस्टर मैन्युफैक्चर होता है फ्रॉम कार्बन कंपोजिशन कार्बन कंपोजिशन से आइदर इन सॉलिड सॉलिड ट्रैक टाइप भी में भी या कोटिंग ऑफ कार्बन फिल्म कार्बन फिल्म के कोटिंग से ए रेसिस्टिव कार्बन लेयर इज ग्रोन ओवर इट क्या एक क्या होता है रेसिस्टिव कार्बन लेयर जो होता है ऊपर में ग्रोन किया जाता है द मोवेबल कॉन्टैक्ट स्लाइड्स ओवर इट और जो मूव करने वाला मोवेबल कॉन्टैक्ट जो होता है वो क्या करता है स्लाइड करता है एक दूसरे के ऊपर द कार्बन ट्रैक और फिल्म कैन बी आइदर फिल्म टाइप और मोल्डेड टाइप जो हम लोग कार्बन ट्रैक का और फिल्म का यूज करते हैं वो क्या होता है आइदर फिल्म टाइप होता है या मोल्डेड टाइप होता है दोनों तरह से होता है कार्बन ट्रैक या फिल्म जो होता है वो आपका आइदर फिल्म टाइप भी हो सकता है या मोल्डेड टाइप भी हो सकता है द मोल्डेड टाइप रेसिस्टिव मटेरियल एंड बेस प्लेट आर मोल्डेड टुगेदर विथ स्टैम्पिंग टर्मिनल लग्स एंड बसिंग ऑल बींग इंसर्टेड ड्यूरिंग मोल्डिंग ऑपरेशन जो मोल्डेड टाइप रेजिस्टिंग मटेरियल होता है और बेस प्लेट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं मोल्ड करते हैं साथ में विथ स्टैम्पिंग टर्मिनल लग्स एंड बसिंग ऑल आर बींग इंसर्टेड सबको हम लोग क्या करते हैं इंसर्ट करते हैं ड्यूरिंग मोल्डिंग ऑपरेशन मोल्डिंग ऑपरेशन के दौरान ये जितना है आपका स्टैंपिंग टर्मिनी टर्मिनल लॉक्स एंड बसिंग सबको हम लोग क्या करते हैं इंसर्ट करते हैं मोल्डिंग ऑपरेशन के दौरान इन फिल्म टाइप कार्बन रेसिस्टि प्लेट इज स्प्रेड ऑन बेस एनुलर रिंग फिल्म टाइप में क्या होता है कार्बन पेस्ट कार्बन पेस्ट इज स्प्रेड कार्बन रेसिस्टिव पेस्ट जो होता है उसको हम लोग स्प्रे करते हैं ऑन एनुलर रिंग ऑन बेस एनुलर रिंग बेस एनुलर रिंग पे हम लोग क्या करते हैं कार्बन रेसिस्टिव पेस्ट को स्प्रेड करते हैं डिफरेंट वेरिएशन कैन बी ऑबेंड बाय कंट्रोलिंग द वर्थ ऑफ ट्रैक और कंपोजिशन ऑफ मटेरियल जो बहुत सारा वेरिएशन है उसको हम लोग ऑबटेंड करते हैं कैसे बाय कंट्रोलिंग द वर्थ ऑफ ट्रैक ट्रैक वर्थ ट्रैक का वर्थ को कंट्रोल करके या कंपोजिशन ऑफ मटेरियल को कंट्रोल करके हम लोग क्या करते हैं डिफरेंट वेरिएबल को डिफरेंट वेरिएशन को ऑप्टेंड करते हैं ये है आपका कार्बन कंपोजिशन वेरिएबल एसिस्टर का फिगर यहाँ पे देखिए ये आपका सी है कार्बन ट्रैक है ये आपका और एस आपका ये साफ्ट है और ये आपका टी वन टी टू टी थ्री आपका टर्मिनल है तो ये आपका कार्बन कंपोजिशन वेरिएबल असिस्टर का डायग्राम हो गया नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वायर वन वेरिएबल रेसिस्टर वायर वन वेरिएबल रेसिस्टर क्या होता है वायर वन टाइप रेसिस्टर कंसिस्ट ऑफ नाइक्रोम और अदर रेसिस्टेंस वायर वन सम इंसुलेटिंग फॉर्मर विच इज इन द फॉर्म ऑफ आर्क एज सोन इन फिगर जो क्या होता है वायर वन टाइप रेसिस्टर क्या होता है आपको नाइक्रोम होता है जिसमें या अदर रेसिस्टेंस वायर वंड होता है या अदर रेसिस्टेंस वायर ओवर सम इंसुलेटिंग फॉर्मर जो इंसुलेटिंग होता है इंसुलेटर है जो फॉर्मर होता है जो सबसे इनर पार्ट होता है उसको हम लोग फॉर्मर बोलते हैं फॉर्मर पे हम लोग क्या करते हैं रेसिस्टेंस वायर को वंड करते हैं फॉर्मर पे जो इंसुलेटिंग फॉर्मर होता है उस पर हम लोग क्या करते हैं रेसिस्टेंस वायर को वंड करते हैं या नाइक्रोम वायर का हम लोग यूज करते हैं द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मूवस ऑन द एज ऑफ एलिमेंट और जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है वो आपका क्या होता है मूव करता है एलिमेंट के एज पे ये आपका हो गया वायर वन वेरिएबल असिस्टर का डाइग्राम यहाँ पे देखिए ये आपका साफ्ट है यह आपका टर्मिनल है ये आपका रोटेटिंग कॉन्टैक्ट है और ये आपका रेसिस्टेंस वायर वाइंडिंग है तो ये आपका हो गया वायर वन वेरिएबल असिस्टर का डायग्राम नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सरमेट टाइप वेरिएबल सिस्टर ये भी आपका वेरिएबल सिस्टर का टाइप है तो हम लोग सरमेट टाइप वेरिएबल सिस्टर में देखते हैं सरमेट कंपोजिशन आर स्क्रीन प्रिंटेड ऑन सिरेमिक सबस्ट्रेट एंड फायर्ड इंटरनल किल एट टेम्परेचर बिटवीन 750 फिफ्टी डिग्री सी एंड एट डिग्री सी सरमेट कंपोजिशन का क्या करते हैं हम लोग एस आर स्क्रीन प्रिंटेड सरेमिट कंपोजिशन क्या होता है आपका स्क्रीन प्रिंटेड होता है ऑन सिरेमिक सबसेट सिरेमिक का सबस्ट्रेट पे या बेस पे होता है और उसको हम लोग क्या करते हैं फायर्ड करते हैं इन टनल किल हम लोग ओवन में भट्ठा में क्या करते हैं उसको फायर्ड करते हैं कितना टेम्परेचर पे 750 डिग्री सी एंड 850 डिग्री सी पे मतलब 750 डिग्री सेल्सियस एंड 850 डिग्री सेल्सियस पर उसको हम लोग क्या करते हैं फायर्ड करते हैं भट्टी में देते हैं प्रियोर टू फायरिंग कंडक्टर पैड्स आर एस्क्रीन ऑन टू दबस्ट्रेट एंड फायर एट अबाउट सेम टेम्परेचर प्रियोर टू फायरिंग कंडक्टर पैड्स आर स्क्रीनड ऑन दबस्ट्रेट हम लोग क्या करते हैं फायरिंग कंडक्टर पैड्स को स्क्रीन करते हैं ऑन टू सबस्ट्रेट पे एंड फायर्ड एट अबाउट सेम टेम्परेचर और हम लोग फायर्ड करते हैं फिर सेम टेम्परेचर पर वही सात सौ पचास डिग्री सी एंड आठ सौ पचास डिग्री सी पे हम लोग फिर उसको फायर करते हैं द प्रोसेस ऑफ फायरिंग एलिमेंट रिजल्ट इन ए रेसिस्टेंस एलिमेंट विच इज परमानेंटली फ्यूज ऑन टू सबस्ट्रेट ये जो फायरिंग एलिमेंट ये जो प्रोसेस है फायरिंग का जिस उससे क्या होता है रेसिस्टेंट एलि रेसिस्टेंस एलिमेंट जो है वो आपको परमानेंटली फ्यूज हो जाता है सबस्ट्रेट पे वो परमानेंटली फ्यूज हो जाता है द वेरिएशन इन रेसिस्टेंस इज ऑबटेन्ड बाई यूजिंग थ्रेडेड इस्क्रू और वाइपर असम्बली डिपेंडिंग अपॉन द कन्फ्रिगेशन यूज ये जो रेसिस्टेंस में जो वेरिएसन होता है उसको हम लोग ऑप्टेंड करते हैं आइडर थ्रेडेड स्क्रू से और वाइपर असम्बली की मदद से हम लोग क्या करते हैं उसको हम लोग वेरिएबल वेरिएसन इन रेसिस्टेंस को ऑपटेंड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कन्फ्रिगेशन यूज ये डिपेंड करता है किस तरह का कॉन्फ्रेशन हम लोग यूज करते हैं उस पर आपको यूज डिपेंड करता है जो थ्रेडर रेस्क्यू का हम लोग यूज करेंगे या वाइपर असेंबली का यूज करेंगे द सर्मेट रजिस्टर्स आर मेड एज सिंगल टर्न और मल्टी टर्न जो सरमेट रजिस्टर होता है उसको हम लोग सिंगल टर्न में भी बनाते हैं सिंगल टर्न मीन्स एक टर्न या मल्टी टर्न बहुत सारा टर्न भी उसमें हो सकता है नेक्स्ट है आपका चिप रेसिस्टर दीज आर मेड बाय थिक फिल्म प्रोसेस विच कंसिस्ट ऑफ फायरिंग द रुदेनियम ऑक्साइड एंड ग्लास पेस्ट विच हैज बीन स्क्रीनड ऑन टू सिरेमिक और ग्लास ग्लासटेट ये जो चिप रेसिस्टर है वो आपको बनता है थिक फिल्म प्रोसेस से किससे बनता है थिक फिल्म प्रोसेस से बनता है जो कि जिसमें कंसिस्ट ऑफ जो जिसमें होता है फायरिंग द रुडेनियम ऑक्साइड को हम लोग फायरिंग करते हैं एंड एंड ग्लास पेस्ट विच हैजिन स्क्रीन और ग्लास पेस्ट को हम क्या करते हैं स्क्रीन करते हैं ऑन टू सीरेमिक और ग्लास सबसेट कैसा सबसेट होता है सीरेमिक सबसेट होता है या ग्लास सबसेट पे हम लोग ग्लास सबसेट पे हम लोग क्या करते हैं ठीक फिल्म प्रोसेस से रुडेनियम ऑक्साइड एंड ग्लास पेस्ट को स्क्रीन करते हैं रुडेनियम ऑक्साइड को हम लोग फायरिंग फायर्ड करते हैं और ग्लास पेस्ट को हम लोग स्क्रीनड करते हैं सिरेमिक या ग्लास सबसेट पे द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस वैल्यू इज ऑप्टेंड बाय लेजर ट्रिमिंग हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को प्राप्त करते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को वैल्यू को हम लोग प्राप्त करते हैं लेजर ट्रिमिंग लेजर ट्रिमिंग के माध्यम से हम लोग रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं तो ये आपका हो गया चीप रेसिस्टर थैंक यू